डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वॉचिंग एपिस्टेसिस। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी का वीडियो है जिसमें पहले ही हमने यूनिट 3 का एक चैप्टर सेल चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें दो वीडियोज है। एक में मैंने क्विक रिवीजन करवाया है एंड दूसरे वाले वीडियो में नीट का लास्ट 32 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किया है, सॉल्व के साथ डिस्कस किया है। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका एक पार्ट। तो पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी का डिफरेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ, और फिलहाल मैं क्लास 11 बायोलॉजी के ऊपर ही सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा रही हूँ विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ओके, सो आप अगर ये आप पहले वाले भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल एपिस्टेसिस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट गेट्स इनटू द वीडियो। सो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल? सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? सो बी इट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से कंपोज्ड होता है। तो फिर उसमें एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो जिसमें बस पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही सिंगल सेल रहता है। एंड इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स, दैट इज फ्यू सेल्स इन केस ऑफ फंगी और primitive plants etc. and billions of cells in case of higher organisms like animal or trees etc. So जहाँ पे बहुत सारे cells रहते हैं जो organisms में, उसका भी structural and functional unit लेकिन same ही है। तो दो type के organism unicellular और multicellular में structural and functional unit हमेशा cell ही होता है। So अगर हम लोग सोचे कि एक कोई भी एक हाउस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हाउस मेनली किससे बिल्डअप होता है? ब्रिक से। सो ब्रिक्स बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज होता है ताकि हाउस प्रॉपरली बिल्डअप हो सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बहुत ऐसे सेल्स बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज होके फॉर्म होता है, और ये इतनी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है ताकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सारा फंक्शनिंग ठीक ठाक हो सके। ओके, सो रॉबर्ट हुक 1665 में फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया है। ये भी बहुत एक्सीडेंटली वो सेल्फ खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें कॉर्क का एक सेक्शन देख रहे थे, उसमें उनको हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत देखने को मिले जो एयर फील्ड लाइक होते हैं। तो एयर फील्ड हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। सो ये सेल्स इसको उन्होंने एज अ सेल डिस्क्राइब किया था। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन 1665, राइट। नाउ सेल थ्योरी। सो ये सेल थ्योरी एम शेल्डन 1838 एंड थियोडोर स्वान 1839 में इंडिविजुअल, जो एक जूलॉजिस्ट है शेल्डन एंड स्वान बॉटनिस्ट है, जो दो अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी दे रहे थे, और फाइनली ये सेल थ्योरी को कंपोज करके 1939 में दोनों का जो मेन पोस्टुलेट्स था इनको कंबाइन करके सेल थ्योरी आया। तो इसका थ्री मेन पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उसमें एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स ही रहते हैं। नंबर टू, ईच सेल्स कैन फंक्शन इंडिविजुअली। सो हर सेल सेल्फ सफिशियंट होता है, वो सब लोग एक इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। नंबर थ्री, ईच ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। सो कोई भी बी इट अ यूनिसेल्युलर और अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओरिजिन हमेशा एक सेल से ही होता है। सो एक सेल से ही दूसरे सेल्स बनते हैं। तो पहले भी हमने जैसे सेल साइकिल डिस्क्राइब किया था, उसमें हमने देखा था कि एक सेल से कैसे दो सेल्स बनते हैं। तो ये भी यही है कि ईच ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल्स। ओके, लैटर विर्चाउन ने 1855 में और एक पॉइंट ऐड किया था कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले वाले जो सेल्स है वही डिवाइड होके दूसरे नए सेल्स बनाते हैं। सो इस सेल थ्योरी का कुछ एक्सेप्शंस भी है, लाइक असेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसका एक्सेप्शन है। लाइक वायरस जब आ गया, डिस्कवर हुआ, तो उसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन या कुछ नहीं है, सेल लाइक स्ट्रक्चर कुछ है नहीं।
सो ये सारे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है. ठीक है, सो नेक्स्ट कमिंग टू द ओवरव्यू ऑफ सेल. सो सेल इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये किससे बनते हैं, अंदर रहता है साइटोप्लाज्म एंड इसको लिमिट करके या फिर इसकी चारों तरफ रहता है एक सेल मेम्ब्रेन. सो ये दो मेन चीजों के साथ सेल बनते हैं, अंदर साइटोप्लाज्म, जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेन सेलुलर ऑर्गेनल्स रह सकते हैं, न्यूक्लियस रहता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन ऊपर बाउंड्री एज अ बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन रहता है. ओके, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक सिंगल सेल से ही बनते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उसको सारा फंक्शन करना पड़ता है तो उसका साइज बड़ा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के मुकाबले. ओके, सो ये बड़ा साइज का होता है और इसमें सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन एंड सारे हर टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक ही सिंगल सेल्स में होते हैं तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, जिसका भी हम तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसको हम मदर सेल्स या फिर स्टेम सेल्स बोल सकते हैं, जो जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स, जैसे मदर सेल्स से लीवर सेल्स भी बन सकते हैं, फिर हार्ट के सेल्स भी बन सकते हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स भी बन सकते हैं. सो दे आर स्टेम सेल्स, सो दे आर कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड सेल्स. जब ये सेल्स हम तब बोलेंगे जब एक सेल्स सेल का फेथ ऑलरेडी तय हो चुका है, मतलब ये सेल लीवर सेल बन चुके हैं, तो ये है डिफरेंशिएटेड सेल्स. एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब जो सेल्स पहले पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट तो हो चुके थे, लेकिन उसमें एक पोटेंशियल ऐसा भी है कि वो रिवर्ट बैक करके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जैसा कि जैसे मदर सेल फिर से बन सकते हैं. ठीक है, सो कोई कोई सेल्स ऐसे भी होते हैं जो डी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो तीन डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. तो इसके ऊपर डिपेंड करके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है डिफरेंट डिफरेंट. सो सेल्स मेनली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स, जिसमें मेन जो थिंग होता है इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या, न्यूक्लियस के बाहर वाला मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो इसमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, इसका जो डीएनए कंपोनेंट है या फिर जो क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन है, जेनेटिक मटेरियल जो है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रह जाते हैं, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहते. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. अगेन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे आर जेनेटिक मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पैक्ड विद इन क्रोमैटिन. तो इसमें क्रोमैटिन्स बन जाते हैं. क्रोमैटिन मतलब डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का एक कॉम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन, जो क्रोमोसोम्स में रहते हैं. तो प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता. नेक्स्ट इज मेसोकैरियोट सेल्स. सो ये एक पहले का टर्म है जो अभी यूज नहीं होता है. ये है जो सेल्स में थोड़ा प्रोकैरियोट्स एंड थोड़ा यूकैरियोट्स के दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे, इसको बोलते हैं मेसोकैरियोटिक सेल्स. ओके, नेक्स्ट कम टू द शेप ऑफ सेल. सो सेल्स के डिफरेंट बहुत वेरिएशन होता है शेप में. जैसे एमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसका कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है क्योंकि ये सीडोपोडिया फॉर्म कर सकता है. मसल सेल, ब्लड सेल्स, गार्ड सेल, एसिटेब्युलेरिया, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, सो ऑल्स आर डिफरेंट डिफरेंट इन शेप. सो दे कैन बी सर्क्यूलर और ओव्यूलर और ट्यूब्यूलर. ठीक है, दिस इज फ्लावर शेप. सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं. साइज में भी सेल्स बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, तो इनका रेंज भी काफी ज्यादा है. तो ये सारे एनसीईआरटी के बुक्स में इनके मेजरमेंट भी दिए हुए हैं. मैं क्विकली रिकैप करवा रही हूँ कि स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा एंड जो लार्जेस्ट एनिमल सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. सो ऑस्ट्रिच के जो एग्स होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल्स होते हैं. लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स आर नर्व सेल्स. ओके, सो नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट. एंड लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल इज एसिटेब्युलेरिया. लॉन्गेस्ट प्लांट सेल इज फ्लोएम फाइबर सेल ऑफ रेमी प्लांट. ये पर्टिकुलर एक प्लांट है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट शेप एंड साइज. नाउ कमिंग टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
माइकोप्लाज्मा, जिसको हम प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, तो ये सारे प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर आते हैं. सो इसमें, सो इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या स्ट्रक्चर देखा जाता है? एक तो है सेल एनवेलप, जो सेल का बाहर का कवरिंग, दैट इज कॉल्ड सेल एनवेलप. इसमें थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. नंबर वन इज ग्लाइकोकैलिक्स. सो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है. इसमें भी अगर इसमें ये टाइटली पैक्ड एक शीद हो तो फिर इसको कैप्सूल बोलेंगे, एंड अगर बहुत लूज एक शीद हो तो इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. नेक्स्ट इसके नीचे रहता है सेल वॉल, जो काफी, ये जो रेड पोर्शन है दैट इज सेल वॉल. ब्लू वॉल इज कैप्सूल, दैट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक. दिस रेड पोर्शन इज सेल वॉल. ओके, सो सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहता है, दिस इज सेल वॉल. एंड यहाँ पे ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्लांट सेल में सेल वॉल रहते हैं. और यहाँ पे ये जो सिंगल एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक से, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सो थ्री लेयर्ड एनवेलप आर सेल एनवेलप आर देयर. सो अगर अंदर से बाहर की तरफ बोले तो फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स. गॉट इट? नेक्स्ट इज मेसोजोम्स. सो मेसोजोम्स आर मेनली एक स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही होता है. दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें इसका बहुत सारा फंक्शन होता है. जैसे ये सेल वॉल भी फंक्शन कर, सेल वॉल भी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस. सो बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, एंड ये एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंड आपके एनसीईआरटी बुक में भी है कि दिस एक यहाँ पे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है. सो ये थ्री डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली. ओके, सो वेसिकल फॉर्म करके भी हो सकता है, ट्यूब्यूल्स फॉर्म करके भी हो सकते हैं, या फिर लैमेली फॉर्म करके भी हो सकता है. ठीक है, सो मेसोजोम्स मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, और इसके फंक्शन भी डिफरेंट है जो मैंने अभी बताया. ओके, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. सो इसके साइटोप्लाज्म जो अंदर वाले मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड जेनेटिक मटेरियल जो है, ये ऐसे ही ये डीएनए स्ट्रैंड्स इन न्यूक्लियोइड. सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. सो ये ऐसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है, एंड बैक्टीरियल सेल्स में एक अलग जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिस सर्क्यूलर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड. प्लाज्मिड में मेनली इसके अंदर जो जीन्स रहते हैं वो बैक्टीरियल को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है. ठीक है, एंड सेल्यूलर ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसमें राइबोसोम्स होते हैं. तो राइबोसोम्स सेल्स के अंदर, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पर्टिकुलरली 70S राइबोसोम्स होते हैं. सो राइबोसोम्स कैन बी ऑफ टू टाइप, जो हम राइबोसोम जब पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे. तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S होता है. सो S इज सेजवोग यूनिट. सो इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, इसको मेजर करने के लिए यूनिट दिया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये 70S है. राइट, नेक्स्ट इज इंक्लूशन बॉडी. सो यहाँ पे कुछ रिजर्व मटेरियल एज ए इंक्लूशन बॉडीज रहते हैं. ठीक है, सो साइटोप्लाज्म के अंदर और कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं रहेगा, बस राइबोसोम एंड इंक्लूशन बॉडीज रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अगर हम लोग बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया की बात करें, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो सेल एनवेलप का स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर डिपेंड करके दो टाइप के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव मतलब मेनली सेल वॉल बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकैन से बनते हैं, और ग्राम पॉजिटिव मतलब साइंटिस्ट के नाम से है. इसमें ग्राम स्टेनिंग जो लेता है, जो स्टोर करता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड जो जिसमें ये स्टेन नहीं लेता है जो बैक्टीरिया, तो वो उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव. ठीक है, तो ये क्यों स्टेन लेगा नहीं लेगा, ये कॉम्पोजिशन के ऊपर है. तो मेनली दोनों में ही पेप्टिडोग्लाइकैन रहता है, लेकिन
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये मल्टी लेयर होता है प्रीपेप्टिडोग्लाइकिन का, हाँ, जहाँ के ग्राम नेगेटिव में बहुत ही एक सिंगल लेयर होता है। इसके उसको भी छोड़ के LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड वो ग्राम नेगेटिव में रहता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में नहीं रहता है। सो इसके ऊपर डिपेंड करके इसका सस्टेनिंग दोनों का डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें इसलिए सारे बैक्टीरिया को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ओके, सो नेक्स्ट इज नॉन मोटाइल एंड मोटाइल बैक्टीरिया। सो यहाँ पे देखिए एक लिकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी रहता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेलम। ओके, सो फ्लैजेलम इज सिंगुलर एंड फ्लैजेला इज अ प्लूरल टर्म। सो जहाँ पे ये रहेगा सो वो बैक्टीरिया मोटाइल, मतलब वो मूव कर सकता है, एंड नॉन मोटाइल जिसमें लिकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। सो ये फ्लैजेला का मेनली तीन स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। सो दिस इज फिलामेंट दिस, और यहाँ ये जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है यहाँ पे बेसल बॉडी एंड हुक रहता है। ओके, सो फ्लैजेलम को छोड़ के भी पिल्ली और फिम्ब्री करके दो स्ट्रक्चर रहते हैं। पिल्ली नंबर कम होता है, फिम्ब्री बहुत ब्रिसल लाइक होते हैं, पिल्ली थोड़ा लॉन्ग होता है। सो ये दोनों लेकिन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, इनका कोई भी लोकोमोशन के साथ फंक्शन नहीं है, तो ये भी बैक्टीरिया सेल्स में मेनली रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ कम टू द यूकैरियोटिक सेल्स। सो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेनली आएगा प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी। ओके, एंड यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, इसका मतलब वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस रहता है विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैंने पहले ही प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डेफिनेशन में बोला था। एंड जेनेटिक मटेरियल भी क्रोमोसोम के अंदर एज ए क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वेरियस कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर रहता है, जो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट, बोथ आर हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स बट प्लांट सेल और एनिमल सेल्स डिफरेंट होते हैं। ओके, सो अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या रहता है ये इसको एक डिवाइड करें तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा इस तरह दिखेगा। नेक्स्ट फर्स्ट इज सेल कवरिंग। सेल कवरिंग दो टाइप के हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स में बस सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोथ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल। इसमें चार कॉम्पोनेंट्स या फिर चार स्ट्रक्चरल डिफरेंस स्ट्रक्चरल पोर्शंस रहते हैं। नंबर वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहते हैं दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन रेटिकुलम और क्रोमोसोम्स, एंड लास्ट इज न्यूक्लियोलस। ओके, सो हम इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। एंड साइटोप्लाज्म तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड है, ये हम नेक्स्ट कुछ मिनट में बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, सो ऑर्गेनल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, सो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एंड इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इस कैटेगरी में आता है सेंट्रोसोम, जो भी मेनली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इसको छोड़ के भी यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजेला भी है, एंड प्लास्टिड एंड वैक्यूल, सो दीज आर एक्सक्लूसिव फॉर प्लांट सेल्स। सो प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स देखा जाता है। एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस के अंदर स्टोर्ड फूड, सिक्रेटरी मेटेरियल्स, एक्सक्रेटरी मैटर्स, ये सारे आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ यूकैरियोट्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल प्लांट सेल्स। सो यहाँ पे सेल वॉल होता है, प्लाज्मोडेस्माटा जो जंक्शन, जो एक कनेक्शन है दो एडजेसेंट सेल्स के अंदर, ये रहते हैं। वैक्यूल्स होता है, गॉल्गी बॉडी होते हैं, क्लोरोप्लास्टिड जो प्लास्टिड बस प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं वो होते हैं, प्लाज्मा लेमा दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ये होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंड न्यूक्लियोलस मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल ये होता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ प्लांट, टिपिकल प्लांट सेल्स, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स में माइक्रोविली होते हैं, माइक्रोविली मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम अभी डिस्कस करेंगे इसको. इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये भी एक्सक्लूसिव फॉर एनिमल सेल्स हैं. स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो स्मूथ है, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड है. प्लाज्मा लेमा, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन, जो बस एक ही लेयर होता है एनिमल सेल्स में. न्यूक्लियस एंड गॉल्गी बॉडीज, पिनोसाइट्स हम अभी डिस्कस करेंगे. लाइसोसोम्स अलग से होता है बस एनिमल सेल्स में, राइबोसोम्स, रफ ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल्स, राइट. नेक्स्ट कमिंग टू द सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल. ओके, एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स. सो नेजिली एंड क्रैमर इन 1856 फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन को रिपोर्ट किया था. ओके, सो ये एक वेरी थिन लेयर है, तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बस एक लाइन की तरह दिखता है, तो एक वेरी थिन लेयर है. तो ये स्मूथ भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है. स्मूथ में एमीबा में जैसे स्मूथ है, थिक है ओवा ऑफ मेरीन इनवर्टिब्रेट्स में, ये थोड़ा थिक होते हैं. नेक्स्ट इज ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट है और मॉडिफाइड एज प्रोजेक्शन, जो अभी हमने फिगर में देखा, ठीक है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कई किसी किसी जगह में बनता है, तो इसमें क्या होता है, सरफेस बढ़ जाता है, कोई भी सेल का मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं. तो कोई भी इंटेस्टाइनल सेल्स या फिर कहीं पे भी सिक्रीशन होना है ऐसे वाले, या फिर एब्जॉर्प्शन होनी है, ये टाइप के सेल्स में माइक्रोविली ज्यादा दिखते हैं, ठीक है. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोविली. नेक्स्ट फैगोसाइट्स और फैगोसोम्स एंड पिनोसाइट. सो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल कोई बाहर की मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, ठीक है. सो अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स को सेल अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एनगल्फ करता है, तो ये एक पाउच की तरह, टेम्पररी वेसिकल की तरह फॉर्म करता है. तो अगर उसका मटेरियल सॉलिड हो, देन द वेसिकल इज कॉल्ड फैगोसोम और फैगोसाइट्स, एंड अगर वो लिक्विड हो, देन इट इज कॉल्ड पिनोसाइट्स. गॉट इट. नेक्स्ट इज यहाँ पे इस टाइप के सेल मेम्ब्रेन में फ्लैजिला भी रह सकता है, सिलिया रह सकता है, फ्लैजिला रह सकता है. ओके, सो दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड मे इनवेजिनेट टू फॉर्म लैमेला. सो सेल मेम्ब्रेन भी इनवेजिनेट, मतलब अंदर की तरफ इनवेजिनेट करके लैमेला फॉर्म कर सकता है, एंड दिस कैन फॉर्म स्यूडोपोडिया. सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोपोडिया इज इन शोइंग इन अमीबा. यहाँ पे स्यूडोपोडिया बनता है, टेम्पररी लोकोमोटरी ऑर्गन. सो ये भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो सकता है, राइट. नेक्स्ट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. नाउ सेल मेम्ब्रेन इज मेनली ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर मीन्स टू प्रोटीन लेयर्स आर देयर, एंड इन बिटवीन इट इज अ लिपिड लेयर इज देयर, लिपिड बाई लेयर इज देयर. ओके, सो सी दिस पिक्चर. यहाँ पे प्रोटीन, दिस इज द आउटर प्रोटीन लेयर, दिस इज द इनर प्रोटीन लेयर, एंड इन बिटवीन इट इज पोलर, दिस इज लिपिड बाई लेयर. लिपिड बाई लेयर का भी दो पोर्शन है, जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ग्लोब्यूलर, दिस इज कॉल्ड पोलर एंड, जो बाहर की तरफ आउटसाइड प्रोटीन की तरफ डायरेक्टेड होता है. जैसे यहाँ पे भी ये प्रोटीन की तरफ डायरेक्टेड. सो दीज आर हाइड्रोफिलिक एंड्स. ओके, एंड दीज आर जो हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर एंड, जो अपने आप में दो बाई लेयर अपने आप में अटैच हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज लिपिड लेयर, लिपिड बाई लेयर, एंड इट इज सैंडविच बिटवीन टू protein layer. So protein layers are of 20 angstrom and lipid layer is of 35 angstrom, right? So this is called the trilamellar structure of cell membrane. Okay, अब इस cell membrane का एक जो important feature है, जिसको हम बोलते हैं fluid mosaic model of
सेल मेम्ब्रेन. मैं साइंटिस्ट का नाम देख रही थी, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया था, जिसमें ये स्ट्रक्चर बस ऐसे ही है. ये जो है ये सारे लिपिड बाइलेयर्स है. दिस इज द ग्लोबुलर लेयर, दिस इज द हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है और जो प्रोटीन्स लेयर्स है वो शीद के तरह नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर पूरा बैठ के रहता है, जैसे पूरा लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है, दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन. एंड जो प्रोटीन थोड़ा बाहर की तरफ लिपिड बाइलेयर के ऊपर रहता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक है, सो दीज आर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर देयर. एंड ये प्रोटीन्स के तरफ लिपिड का हाइड्रोफिलिक एंड रहता है एंड हाइड्रोफोबिक एंड जो नॉन पोलर एंड है वो अंदर की तरफ रहता है. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम लिपिड एंड फॉस्फो लिपिड एंड प्रोटीन, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल्स भी रहते हैं जो लिपिड बाइलेयर के साथ. देखिए ये जो रेड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो टाइटली पैक होता है सर, वो स्ट्रक्चर को थोड़ा रिजिडिटी देता है. ठीक है, इसको छोड़ के यहाँ पे शुगर्स भी रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स भी रहते हैं जो लेयर के ऊपर में, मतलब दो लिपिड बाई लेयर के ऊपर एक शिद्ध फॉर्म करके रहता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइड ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, ये लैटरली मूव कर सकता है लिपिड बाई लेयर के अंदर. ओके, सो दे कैन मूव लैटरली टू द फ्लूइड लिपिड बाई लेयर. एंड इस स्ट्रक्चर को इसलिए बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, बिकॉज ये लिपिड बाई लेयर का एक क्वासी फ्लूइड नेचर है जिसमें प्रोटीन्स आर जस्ट फ्लोटिंग इनसाइड दिस लिपिड बाई लेयर. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल. और इसको प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड्स ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो ये जो प्रोटीन से ये भी अपने अपने फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है, कैरियर प्रोटीन्स हो सकता है. ठीक है, सो एंजाइम्स भी हो सकते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन्स में रह सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो सेल मेम्ब्रेन कोई भी सेल को शेप देता है. नंबर वन, इट ऑल्सो गिव्स ऑरिजिन टू सेल ऑर्गेनल्स. सो ज्यादा से ज्यादा सेल मेम्ब्रेन का जो ऑरिजिन है वो सेल मेम्ब्रेन सेलुलर ऑर्गेनल्स का, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का जो ऑरिजिन है वो सेल मेम्ब्रेन है. ये प्रोटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अलग करता है क्योंकि ये डिलिमिटिंग एक लेयर है. एंड ये एक्साइट करता है सेल्स को केमिकल एंड मॉलिक्यूलर रिसेप्टर से. एंड ये और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसा भी काम कर सकता है, कोई भी मटेरियल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर. सो दिस इज अ सेमी परमिएबल लेयर. ओके, सो ये डिसाइड करता है किसको अंदर आने देना है, क्या बाहर जाना है. सो दिस इज अ सेमी परमिएबल लेयर. नाउ ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में ये सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट जिसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होता है. सो ये दो टाइप के हो सकते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सो मेनली अगर एनर्जी नहीं यूज होगा तो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. जिस जैसा जैसा कंसेंट्रेशन है मटेरियल का उसके ऊपर डिपेंड करके ये अंदर बाहर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है. ठीक है, मेनली अगर ये वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. इस प्रोसीडियर को ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ओके, एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सक्रीशन, मतलब कोई भी एब्जॉर्ब करे कोई भी मटेरियल जिसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन. एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सक्रीशन, मतलब कोई भी चीज को हम बॉडी सेल से बाहर कर रहे हैं जिसमें भी कोई एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऑलवेज एनर्जी डिपेंडेंट, दैट मीन्स इसमें एटीपी यूज होगा. और यहाँ पे भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन मीन जहां पे कोई भी चीज बाहर से
अंदर आ रहा है लेकिन इसमें एनर्जी यूज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इन कॉन्ट्रास्ट टू सिक्रीशन जिसमें एनर्जी दे के हम कोई भी चीज को बाहर कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल को सेल्स के बाहर कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन। सो इसके सारे का एग्जाम्पल है जो मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, तो फिर ये ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ये क्विक रिविजन है। ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल। सो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो स्ट्रक्चर आता है ऊपर वाला लेयर दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सो सेल वॉल इज वेरी थिक रिजिड एंड नॉन लिविंग कवरिंग। ओके, सो ये सेल वॉल मेनली किस चीज से फॉर्म होता है? फैग्मोप्लास्ट। फैग्मोप्लास्ट क्या है? जब हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बोला था, जब सेल डिविजन के टाइम जो फ्रैगमेंट्स ऑफ ईआर एंड गॉल्गी बॉडीज होते हैं वो जुड़ के फ्रैगमोप्लास्ट बनते हैं, और उसमें ही सेलुलोज और बाकी सारे सिक्रेटरी मटेरियल जो सेल वॉल फॉर्म करते हैं वो जुड़ के सेल वॉल का सेल प्लेट बनाते हैं एंड सेल डिवाइड होता है। सो दिस सेल प्लेट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड इट इज कॉल्ड मिडल लैमेला। ठीक है, सो दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्लैक फैग्मोप्लास्ट एंड देयर स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ थ्री पोर्शन, मिडल लैमेला एंड इज प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड किसी किसी में टर्शियरी सेल वॉल्स भी होते हैं, कोई कोई में टर्शियरी सेल वॉल्स भी होते हैं। ठीक है, जस्ट यस, सो ये मेनली जो प्लांट में ही रहता है, मेनली दिस स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिव फॉर सेल वॉल और इसमें सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ओके, सो मिडल लैमेला ये लेयर है जो दो एडजेसेंट सेल्स के लिए ऑलमोस्ट कॉमन है। ठीक है, सो ये बीच का जो एकदम लेयर होता है दैट इज कॉल्ड मिडल लैमेला, दिस रेड पोर्शन। ओके, देन इज प्राइमरी लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, इसके बाद वाले पोर्शन इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, ये भी मेनली सेलुलोज से है। नेक्स्ट इज ये ग्रोथ, जो सेल में ग्रोथ हो रहा है उसमें प्राइमरी सेल वॉल रहता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल, जो थोड़ा एडल्ट सेल हो चुके हैं जिसमें सेल वॉल ऑलरेडी, मतलब सेल का ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल रहते हैं एंड इसके ऊपर कोई भी सेल में कहीं कहीं पे टर्शियरी सेल वॉल भी देखा जाता है। ओके, नाउ ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, तो डिफरेंट डिफरेंट पीट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और सेल वॉल में डिफरेंट डिफरेंट ये जो थिकनिंग होता है, सेल का थिकनिंग, वो उसके ऊपर डिपेंड करके भी सेल वॉल थिकनिंग डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे स्पाइरल हो गया, एन्यूलर हो गया, रेटिक्यूलर हो गया, ऐसे ऐसे ये डिपोजिशन के ऊपर डिपेंड करके ये होता है, तो मैं इतनी डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जा रही हूँ। सो नेक्स्ट फंक्शन इज ऑफ सेल वॉल इज प्रोटेक्शन, गिव अ डेफिनेट शेप टू द सेल, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, सो इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, कंट्रोल एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सम मटेरियल एंड इट ऑल्सो मेंटेन इंटरसेलुलर कनेक्शन। ठीक है, दो सेल्स के अंदर भी सेल वॉल के थ्रू भी कोई कोई पोर्शन ऐसा होता है जो फॉर्म करता है सेल जंक्शंस जिसको हम बोलते हैं, सो वहां पे उसके थ्रू इंटरसेलुलर कनेक्शंस मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा मेनली प्लांट सेल्स में होता है जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड this is mainly for intercellular connection. Okay, and cell junctions mainly होते हैं animal cells में, जो cell walls के ऊपर different दो adjacent cell, जो sorry animal cells में cell membrane के जो adjacent cells का cell membrane है उसके ऊपर cell junctions different type के होते हैं, जैसे like tight junctions, desmosomes और gap junctions और इंटर कैलेटरी डिस्क एक्सेट्रा। ओके, सो ये सेल वॉल में मेनली प्लाज्मोडेस्माटा रहता है एंड इट वर्क्स एज एन वाटर प्रूफ, यहाँ पे क्यूटीन एंड सुबरीन रहता है किसी किसी सेल्स में, तो इसका कंपोजिशन में, तो ये सेल्स को वाटर प्रूफ नेचर देता है। ठीक है, सो विच इज अनदर फंक्शन ऑफ सेल वॉल। नाउ कमिंग टू द साइटोप्लाज्म, सो साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ अ सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ये एक सेमी लिक्विड एंड ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर होता है, कोलॉइडल इन नेचर एंड साइटोप्लाज्म का तीन मेन पोर्शन है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स,
cytoplasmic organelles and cytoplasmic inclusion or ergastic substance, right? Next is a cytoplasmic matrix. So matrix matlab jo fluid ground substance hota hai cytoplasm ka, this is called cytoplasmic matrix. Isko isme jo liquid part hota hai usko hum hyaloplasm bhi bol sakte hain. And cytoplasm ke jo outer layer mein jo cytoplasm rehta hai cell ke outer layer mein, I mean jo cell membrane ki taraf ka jo cytoplasm hai, that is called ectoplasm. And andar wala jo beech wala middle portion of the cytoplasm is endoplasm. So ectoplasm थोड़ा thick होता है and endoplasm थोड़ा liquid होता है. Next is tonoplasm. Tonoplasm vacuoles के चारों तरफ का जो cytoplasm होता है, इसको specifically एक नाम दिया जाता है, that is called tonoplasm. Okay. Next function is cytoplasmic organelles and inclusion को carry करना. This is a matrix, so it can carry cytoplasmic organelles. Imparts colloidal property of protoplasm, मतलब वो जो माइक्रो जैसे स्यूडोपोडिया हो गया या फिर कोई भी सेल्स का सेल्स में जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं मूव करने का अंदर वाला साइटोप्लाज्म वो करता है साइटोप्लाज्म थ्रू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है. एंड गिव्स ओरिजिन टू द फाइब्रिलर कॉम्पोनेंट. ओके इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे. एंड कॉन्टेंस एंजाइम्स फॉर सम इम्पॉर्टेंट मेटाबोलिक प्रोसेसेस. ओके नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल. सो द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल डिस्पर्स्ड इन द मैट्रिक्स. ओके सो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मेनली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन है लाइक राइबोसोम्स. एंड ईच ऑर्गेनेल हैज यूनिक फंक्शन. सो हर एक ऑर्गेनेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. एंड सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, गॉल्गी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ब्लास्टिड एंड वैक्यूल्स. आई हैव रिटन इट इन डिफरेंट कलर बिकॉज इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, राइट. नेक्स्ट कमिंग टू द फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, एक डिस्क शेप फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. इसके साइड का जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, राइट. सो ये फर्स्ट कॉलिकर इन 1850 स्ट्राइटेड मसल सेल्स में एज ए ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर इसको देखा था. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स. अभी हमने प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, तो ये बस यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल्स पोजेस मेसोजोम इंस्टेड ऑफ इट. सो बैक्टीरियल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का सारा काम करता है मेसोजोम. मैच्योर मैमलियन आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है. एंड प्लांट सेल्स कंटेन लेसर नंबर ऑफ इट दैन एनिमल सेल्स. जो सेल्स में ज्यादा फंक्शन होता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है. ओके सो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली पावर हाउस ऑफ सेल्स है. ये प्रोड्यूस करता है एटीपी, एटीपी जनरेट करता है. तो जिस सेल में एनर्जी ज्यादा जरूरत है, जिस सेल्स की, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा नंबर, जिसमें कम है उसमें कम होगा. नेक्स्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया. जो पहले का माइटोकॉन्ड्रिया है वहां से ही न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म होता है. ओके कैन ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर, यहां से भी होता है. एंड इसका लाइफ स्पैन ओनली 10 डेज है, मैक्सिमम 5 to 10 days. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो इट इज रॉड शेप्ड, हैविंग 1 to 4 माइक्रोमीटर ब्रेथ एंड 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ. ओके सो ये शेप साइज में वैरी करता है. तो ये क्लोज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट. और इसमें दो मेम्ब्रेन होता है. सो ईच मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमिलर. अगेन जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बोला, वैसे ही प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर. सो बाहर वाले को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दिस ब्लू वन. एंड इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाले जो मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन. ओके आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. एंड इस दोनों के बीच का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, राइट. एंड जो इनर मेम्ब्रेन है, इस ये जो अंदर वाला पोर्शन को कवर करता है, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. नाउ ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ नहीं है, इसमें फिंगर लाइक दिस लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, इन्वेजिनेशन है बहुत. ओके सो दिस प्रोजेक्शन आर देयर एंड दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड क्रिस्टी और माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट और इंटरक्रिस्टी स्पेस. ओके सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर.
ओके सो इसको और हम बोल सकते हैं इसमें ही फर्नांडिस मोरन सब यूनिट और ऑक्सीजोम्स और एलिमेंटरी पार्टिकल्स रहते हैं. सो क्रिस्टी के ऊपर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर एलिमेंटरी पार्टिकल्स. ओके एंड जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल साइटोप्लाज्म होता है अंदर का इसमें रहता है राइबोसोम्स एज अ सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स रहते हैं जिसको माइटोराइबोसोम्स भी बोलते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियल का ओन डीएनए भी रहते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एमटी डीएनए बोलते हैं. ठीक है सो दीज आर ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे आर मेनली कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड आरएनए. सो यहाँ पे जो एलिमेंटरी स्ट्रक्चर सो दिस इज आउटर चेम्बर दिस इज इंटर क्रिस्टी स्पेस सो दिस इज वन क्रिस्टी एंड इसके ऊपर एलिमेंटरी पार्टिकल्स ये है. नाउ एलिमेंटरी पार्टिकल्स तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड है हेड स्टॉक एंड बेस. सो दिस इज हेड इज टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर सो दीज आर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज दे आर कॉल्ड एलिमेंटरी पार्टिकल एंड जो ये ग्लोब्यूलर स्पेस है दिस इज कॉल्ड एफ वन. Okay, if one particle. Okay, so this is and they are almost 100 angstrom apart. Okay, so iska function kya hai? Catabolic process like TCA cycle, electron transport system, oxidative phosphorylation, is sare mein mitochondria karta hai. Next, anabolic processes like synthesis of fatty acid, production of DNA, RNA and some proteins, ye bhi mitochondria mein hota hai. Ab ये क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिस्टी के एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रहते हैं जो एटीपी जनरेट करते हैं. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के हर पोर्शन में जो जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जहां रहते हैं वहां पे वो प्रोसेस होता है. ठीक है तो कोई होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है कोई क्रिस्टी में होता है कोई एलिमेंट्री पार्टिकल्स में होता है. सो ये डिपेंड करके कहां पे उसका पर्टिकुलर एंजाइम्स है इसके ऊपर डिपेंड करके ये डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में होते हैं. ठीक है एंड दो टर्म्स के बारे में मैं यहाँ बताऊंगी. माइटोप्लास्ट मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर को अगर हम रिमूव कर दे तब जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट. सो इट इज नॉट अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ये रिसर्च में हेल्प करता है सो दैट इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट. एंड कॉन्ड्रियोस्फियर इसका मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जब एक साथ हो जाता है तो एक बॉडी फॉर्म करता है सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोस्फियर. ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स. ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया था पैलाडिनी 1953. ओके सो ये स्ट्रक्चर का मेन यूनिक फीचर जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है एंड इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. ओके सो ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स थे. साइटोराइबोसोम्स एंड माइटोराइबोसोम्स आर देयर. साइटोराइबोसोम्स मीन्स जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म्स के अंदर रहते हैं दैट इज साइटोराइबोसोम एंड माइटोराइबोसोम अभी हमने बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ राइबोसोम का ओन रहता है दैट इज माइटोराइबोसोम. एंड इन प्रोकैरियर्स मोनोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियर्स में वो एज अ यूनिक स्ट्रक्चर रहते हैं लेकिन यूकैरियर्स में पॉलीसोम्स फॉर्म करते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन फॉर्मेशन. ओके सो ये पॉलीसोम्स में प्रोटीन ही रेडी होता है सो ये बहुत सारे राइबोसोम एज ए चेन इकट्ठे होके पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स क्रिएट करते हैं अलॉन्ग विथ एमआरएनए. एमआरएनए से ही प्रोटीन फॉर्म होता है तो एमआरएनए भी वहां अटैच रहता है. ओके सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीसोम्स. ऑरिजिन इन यूकैरियोट्स दे आर फॉर्म्ड बाय अ न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स में दे आर फॉर्म्ड बाय डीएनए थ्रेड एंड साइटोप्लाज्म. ओके नेक्स्ट दे आर स्ट्रक्चर सो दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स. यहाँ पे दो सब यूनिट्स है हर कोई राइबोसोम्स में दो सब यूनिट रहते हैं. सो दे आर मेनली कम्पोज ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके एंड द राइबोसोम साइज ऑफ द राइबोसोम डिपेंडेंट ऑन द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जिसको हम सेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं. सो ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी मैंने पहले बताया था सो इसके ऊपर डिपेंड करके तो कितना साइज है राइबोसोम्स का इसके ऊपर डिपेंड करके ये कोएफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है. सो इसके लिए हमने एस को एज ए यूनिट सब यूनिट यूज करते हैं. जैसे 70S होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहता है 70S. यूकैरियोटिक सेल्स में 80S होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओन राइबोसोम्स है उसमें 55S होता है. ठीक है
सो ये जो दो जो सब यूनिट है ये है राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट. अब ये लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट का भी स्ट्रक्चर अलग अलग है. जैसे ये दोनों जुड़ जाते हैं उनका सेजवोग यूनिट थोड़ा कम होके 70S होता है. ठीक है, जैसे 50S एंड 30S comprises 70S in prokaryote and 80S is 60S and 40S comprises 80S in eukaryotes. Okay, so this is polyribosome. यहाँ पे बहुत सारे ribosomes इकट्ठे जुड़ के along with mRNA ये structure बनाते हैं. This is called polyribosome. Got it? Next is function. So this ribosome is mainly concerned with protein synthesis. So protein synthesis without ribosome is not possible. Okay, so इसका main function is protein synthesis. ठीक है students, फिर that's all for today's video. This is only a part one of the chapter cell, the unit of life. So कल हम लोग part two में बाकी जो chapter का बाकी portion है उसको लेके discuss करेंगे. Okay, and if you like the video, please share it among your friends and subscribe to Epistasis.